मुंजुली को हम लोग बिग बॉस ओटीटी में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिग बॉस ओटीटी दोस्तों अगर शुरू होता है तो मुंजुली को हम देखने को मिलेगा, जहां पर अंजलि अरोरा ने रिसेंटली इसी बात पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल पोच। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुंजुली में से अंजलि यानी कि अंजलि अरोरा, अंजलि अरोरा की अगर बात करें दोस्तों तो टिकटॉक वीडियो से लेकर कच्चा बादाम से लेकर उन्होंने बिग बॉस में बहुत अच्छी अपनी पोजीशन बनाई, सॉरी लॉकअप में बहुत अच्छी पोजीशन बनाई। लॉकअप में वो थर्ड पोजीशन पर आउट हुई दोस्तों। लेकिन यस, अंजलि अरोरा की अगर एक बात कहें तो कुछ तो खास है बंदी में, क्योंकि बंदी जो है गजब ही कह ढा रही है। अब दोस्तों एक बैक टू बैक उनकी म्यूजिक वीडियोस आ रही हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई थी। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुई बातचीत के दौरान अंजलि अरोरा ने मुनव्वर और अपने रिश्ते को लेकर भी बोला, पता नहीं उसको क्या हो गया है, राइट, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैंने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं साथ ही साथ अब बिग बॉस ओटीटी को लेकर बोला, जब उनसे पूछा गया कि क्या हम अंजलि अरोरा को बिग बॉस ओटीटी में देखेंगे, तो अंजलि कहती है यार सारी चीज़ें अभी क्यों बता दूँ, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, फैंस को थोड़ा सा सस्पेंस रखूँ मैं ताकि उन्हें अगर सरप्राइज मिले तो बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पर दोस्तों अंजलि अरोरा को ये भी पूछा जाता है कि मुनव्वर फारूकी का भी नाम सामने आ रहा है और अगर वो आते हैं तो आपको क्या है कहना। आप, वो कहती है कि मैं उसके साथ वैसी ही रहूँगी जैसे मैं पहले थी, वो मेरा दोस्त है और वो दोस्त ही रहेगा और मैं उसके साथ वैसी ही रहूँगी। तो अंजलि अरोरा ने दोस्तों अपना बड़ा दिल दिखाया है और मुनव्वर फारूकी के लिए बोल डाली है ये बातें। अब दोस्तों पता नहीं अंजलि, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू आया ये बवाल मचा रहा है और मुनव्वर की जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई है कि अंजलि ऐसा कैसे कह सकती है। वहीं मुंजुली फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि यार दोनों अगर साथ आ जाए तो लिटरली मज़ा आ जाए, और एक्चुअल में उन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, एज अ फ्रेंड ही क्यों ना सही। और अगर अंजलि के मुताबिक मुनव्वर उन्हें इग्नोर कर रहा है तो भैया मत करो इग्नोर यार। कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको क्या है कहना इस बारे में जरूर बताएं। क्या आप लोग बिग बॉस ओटीटी में दोनों को देखना चाहते हैं या नहीं, बताना जरूर। बाय बाय।